और सांगली डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक क्रांति जो मिलेगा ब्लूज यहाँ उनका राठौर संभालेंगे। तो महिला बोनस चुराने की कोशिश पूरी की थी और बिल्कुल वहाँ पर सफलता भी उन्हें मिली है। थोड़ा डाइसी साबित हो सकता था, बट तेजस अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं, बिल्कुल माना है और हाथ मिलाया उनका अपने कोर्ट गए और नंबर सिक्स को बहुत खूबसूरती के साथ आउट किया है हर्षित। बिल्कुल, और ओमकार गाड़ी के पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है और आजकल के स्कूल्स को हमने देखा है नवनीत ये करते हुए। इस बार जयेश आए रेड पर 3-1 के साथ, नंदुरबार जो है वो लीड पर है। क्या बिल्कुल ओमकार राठौड़ का वहां पर डैश आया, बड़ा पावरफुल डैश था लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से। इस बार राइट कवर फिर से अटैक करने गए, फिर से अभिषेक का शिकार बनाना चाहते थे, बट इस बार पिछली टक्कर की यहां पर मैच हो और टक्कर लगातार मौजूद। इस बार टक्कर लेने आए हैं सुशांत सिंधे, देखिए किस तरीके से सभी खिलाड़ी रेडर की तरफ से बोगस बोनस कहते हैं इसे, कि आप दिखाइए, आप दिखावा कीजिए कि आप बोनस के लिए जा रहे हैं और उसी समय पर किक लगा दीजिए। अब डू और डायरेक्ट पिछली बार अगर नंदुरबार से थी तो इस खूबसूरती के साथ शांति के साथ मैच देख रहे हैं और मैं उनसे कहूंगा कि इतने तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर ने 30 रन बनाया था और मैं बोलना ये चाह रहा हूँ एज अ चाइल्ड आप भी जो है पिछली बार सिर्फ अकेले प्रणय राणे रह जाते थे, बट इस बार प्रणय राणे की अभी भी एब्सेंस में, प्रणव माने की एब्सेंस में भी यहाँ पर नवंबर 1989 को तेंदुलकर ने पहला मैच खेला था, 15 नवंबर 1995 को मैंने पहला मैच देखा था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जहाँ से मैं हूँ जमशेदपुर से खुद राज्य का फॉर्मेशन हुआ था और मत कीजिएगा नवनीत, बाकी सब ठीक है क्योंकि यहाँ पर स्कोर 7-7 की बराबरी पर है। ये है पावरफुल डिफेंस, ये है जय। इस दिन को सेलिब्रेट करें 12 मार्च, आज ये जो बच्चे आए हैं अमृता विद्यालय के लिए ये भी शायद वो 12 मार्च 2024 बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। वो डेट को हम कंफर्म करें इससे पहले हम चाहेंगे कि ये जो कारवा है, ये जो जर्नी है, ये चलते रहे, मंजिल पे हमारी ध्यान नहीं रहेगी, ये हर पल को पुणे में वापसी की है। बचाव यहाँ पर डुआ डायरेड की वापसी हुई है और इस बार सुशांत शिंदे हैं। सुशांत शिंदे ने पिछली बार राइट कॉर्नर को शिकार बनाया, 10-9 सांगली 10 पर है, नंदुरबार 9 पर है, 3.25 मिनट का खेल शेष बचा है। अभिषेक 5 के हाउस में रेड के लिए जा रहे हैं, इनकी पोजीशन से अटैक रेड सिग्नल, यानी कि अब आप आगे नहीं जा सकते हैं, रिव्यू आप नहीं ले सकते हैं, ये जंप जरूर थी एक डिस्ट्रिक्ट 2 पॉइंट से आगे 3 पॉइंट सकते हैं। कई डिफेंडर्स को हमने देखा है कि जब आप राइट परफॉर्मेंस नजर आया है इस लेफ्ट कॉर्नर का बहुत अच्छा है, बट राइट कवर एक और बार स्ट्रॉन्ग डिफेंस था पर वो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बतौर डिफेंडर और टाइमिंग बढ़िया चाहिए होती है और आप टैकल्स करने चाहे तो चेन में जाइए, अच्छा एफर्ट है आपका, राइट ज्यादा अंदर नहीं गए और पिछले हाफ में कुल मिलाकर हमने 5 डू और डाई रेड्स देखी थी। अब ओमकार गाड़े ये देखिए पिछले 5 रेड में 3 एम्प्टी रेड जिन्होंने की है, हालांकि 5 का हाउस से यहाँ पर भी मुश्किल थोड़ी सी रहेगी ओमकार गाड़े को, इस डू और डाई रेड है। अब देखते हैं कि क्या नंदुरबार इस मुकाबले में एक मरतबा फिर से एक पॉइंट की लीड, वो टक्कर लगातार देखने को मिल रहा है, 14-14 का स्कोर, 15 मिनट का गेम है, हर्षित अभिराज यहां पर आए हैं और 5 के घर यहां पर पॉइंट्स अगर पिछली रेड में सांगली को मिले तो अगली रेड में नंदुरबार भी ले आया और स्कोर एक बार फिर से बराबर। नंदुरबार 16 ओमकार गाड़े फिर से एक बार ओमकार देखना है क्या करते हैं, बोनस टाइम का कोशिश करने का स्कोर करने का प्रयास यहां पर है ओमकार गाड़े और फंस गए हैं। 13 नंबर जर्सी ने अपने डिफेंडर को एंकल होल्ड करके बचाया कि कहीं आप एंटी क्रॉस न कर सांगली नंबर 99 आउट। तो एंकल होल्ड होते हुए थाई होल्ड होते हुए देखा है पर डिफेंडर ने डिफेंडर को थाई होल्ड किया था वहां पर, जयेश कह रहे थे कि मैंने टच किया है बट वापस जब लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर ने मना किया तो कहा कि ओके मैं वापस अंदर आता हूं, बोनस जरूर चुरा लिया, राइट कवर से चूक जरूर हुई है बट कभी कभी कहते हैं लालच और करेज में बहुत थिन लाइन होता है, अगर आप सफल हो जाते हैं पौधा है। ओमकार गाड़े फिर से आए हैं, पिछली बार क्या जब आए थे तब क्या हुआ था वो हमारे दर लगातार बोनस नवनीत, ये देखिए यहाँ देखिएगा आप जिस तरह से बोनस है और
एक्सपेक्टेड है। ये नंदुरबार के लिए सुशांत शिंदे आए हैं रेड पर। सुशांत शिंदे एक अच्छे लेफ्ट रेडर, राइट कॉर्नर राइट इनके नीचे से बोनस चुराने का प्रयास। कोच साहब ने जरूर सांगली के भी कहा होगा कि बोनस और दोनों टीम और सुपर एट बहुत अच्छा रहा है। प्रसन्ना पाटिल से भी शायद साथ आया, बट जो रेडर का फोर्स था, जो रेडर की वहां पर एक्सपेक्टेशन थी, वो उस पर बिल्कुल खड़े उतरे। या एक बार फिर से वेस्ट, अगर आप बहुत ज्यादा वेट करेंगे तो अक्सर आप मुश्किलात में जा सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर से अटैक आया है, क्या इस बार बहुत दिक्कत का सबब बन सकता है। अभिराज यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए और एक पॉइंट यानी कि आखिरी के 90 सेकंड में और है, और ये हो सकता है इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट। सुपर टैकल है अभी भी यहाँ पर जयेश खर्च। अभिराज ये आपके टेम्परामेंट का एग्जाम है। बोनस का प्रयास, अतुल से फिर से चूक, स्कोर फिर से बराबर, फिर से दो के बोनस भी आया है, फिर से दो पॉइंट और अभिराज को टच किया यानी कि रेडर को बाहर किया। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर वहां पर एंड लाइन के बाहर चले गए। ये देखिए बिल्कुल हील पार्ट उनका नीचे आया और उसके बाद अभिराज तो सांगली लगातार इस मैच में बहुत समय तक लीड पर था। राइट कॉर्नर ने पहले गलतियां की है, लेफ्ट कवर श्रेयस उमर्धन कप इसलिए मैच समाप्त हुआ है। और नंदुरबार देखिए रेडिंग में